हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन डिस्क्राइब द एम्बूलैक्रल सिस्टम ऑफ स्टार फिश क्वेश्चन में पूछा गया है कि एम्बुलैक्रल सिम स्टार होता है उसके बारे में हम लोगों को डिटेल जानना है सो so, सबसे पहले इसके की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि एम्बुलैक्रल सिस्टम होता क्या है और ये कहाँ पर मिलता है वैसे तो स्टार फिश इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सो so, फर्स्ट हम लोग समझते हैं एम्बुलैक्रल सिस्टम क्या है एम्बुलैक्रल सिस्टम ओके तो एम्बुलैक्रल सिस्टम ऐसा तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं ये बेसिकली कहाँ पे मिलता है अकाइनोडर्मेटा में अकाइनो डर्मेटा में मिलेगा ये वो ऑर्गेनिज्म है जो सी uh, वाटर में रहते हैं और बेसिकली मरीन होते हैं एम्बुलैक्रल सिस्टम को हम लोग वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज वाटर वेस्कुलर सिस्टम या फिर हम लोग इसको हाइड्रोलिक सिस्टम भी बोलेंगे दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोलिक सिस्टम हाइड्रोलिक सिस्टम ओके ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे बेसिकली यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर्स होंगे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जिनको की हम लोग क्या बोलते हैं कैनाल्स दे आर कॉल्ड एज कैनाल्स और ये कैनाल्स इंटर कनेक्टिंग लिंक है वेरियस ट्यूब फीट में इस ये एक स्पेशल फीचर है एकाइनो डॉमेटा का जो जो पार्ट्स होते हैं, बेसिकली हम लोग उनकी एक बार डिस्कशन करते हैं पार्ट्स, पार्ट्स। इसके बेसिकली कौन कौन से पार्ट्स होंगे मतलब यहाँ पे आ जाएगा स्पाइंस, यहाँ पे आ जाएंगे प्लेट्स यहाँ पे आ जाएंगे सकर्स। और ऑसिकल्स जो अम्बुलैक्रल ग्रुप होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा जैसे कि मूवमेंट को मतलब हम लोको मोशन बोल सकते हैं या फिर फूड के ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ़ूड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे एक्सचेंज होगा गैसेस का लोकोमोशन करता है ये लोकोमोशन किसके थ्रू करेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू लोकोमोशन करेगा ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन तो बहुत सारे कैनाल्स होंगे यहाँ पर तो बेसिकली अकाइनोडर्मेटा में ही ये मिलेगा अम्बुलैक्रल सिस्टम स्टारफिश में सो तो अम्बुल सिस्टम जो स्टारफिश का होता है बेसिकली लोकोमोशन में मदद करता है होप यू अंडरस्टैंड वेल बेस्ट ऑफ लक